विधानसभा रामपुर कारखाना क्षेत्र के बैकुंठपुर मंदिर विद्यालय परिसर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा बैकुंठपुर मंदिर के विद्यालय परिसर में प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन आयोजन किया गया, जिसमें रामपुर कारखाना के भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे मौजूद। आपको बता दें कि इसमें प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को सम्मानित किया गया और 2022 में भारतीय जनता की सरकार बनाने के लिए रणनीति बनाई गई और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बताया गया। वहीं आपको बता दें, दूर दूर से पहुंचे इस कार्यक्रम में ग्रामीणों को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक बुक दिया गया, जिसमें बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 4.5 वर्षों में क्या कार्य किया गया और केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी लोगों के लिए क्या योजना लेकर आया गया है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिनोजा। आज मैं पहुंचा हूं रामपुर कारखाना, क्योंकि 2022 का चुनाव नज़दीक आ गया है और हर जगह पर जनसभाएं होती रही हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं ये रामपुर कारखाना के संयोग, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज कैसा कार्यक्रम था और 2022 को लेकर बीजेपी रामपुर कारखाना विधानसभा में क्या तैयारी कर रही है। सर बताओ। मेरा नाम सचिंद्र शाही है, मैं रामपुर कारखाना विधानसभा का प्रबुद्ध वर्ग का जिला विधानसभा संयोजक हूं और व्यावसायिक प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूं। जो ये कार्यक्रम हो रहा था, इस कार्यक्रम का उद्देश्य था और क्या ये कार्यक्रम हो रही था? मेरे इस कार्यक्रम का मेरी पार्टी ने एक हर विधानसभा में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया है, जो प्रबुद्ध वर्ग जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और अन्य जो पढ़े लिखे अधिकारी वर्ग के लोग होते हैं, इनको हमने अपनी 5 साल का किया हुआ 4.5 साल का जो भी कार्य योजना है उनके सामने हमने रखा है। हमें मानना है, समाज का भी मानना है कि प्रबुद्ध वर्ग जिधर बात को रखता है, समाज भी उसको मानता है। जी, ऐसा कहा जा रहा है कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कहीं दूसरे जगह से आके प्रत्याशी को यहाँ चुनाव लड़ा दिया जाता है, इस संबंध में आपको क्या कहना है? ये सत्य है कि बाहर के लोग जब आते हैं तो उस जगह पे रोष होता है, लेकिन हमारी पार्टी जिसे भी भेजेगी उसके लिए हम एकदम तैयार हैं, रिकॉर्ड ओदों से जिताएंगे। लेकिन अगर हमारी पार्टी हमारे विधानसभा के किसी प्रत्याशी को वोट देती है तो यहाँ की जनता एक स्वर से उसको हाथों हाथ ले लेगी। क्षेत्र में विकास को लेकर, इस विकास के मुद्दे पर क्या बात करेंगे? हमारी पार्टी तो पूरे प्रदेश में विकास कर रही हो, चाहे फ्री गल्ला हो, चाहे इस COVID-19 में लोगों का सहयोग करना हो, हर तरफ विकास कर रही है। अब विधानसभा हमारा है तो विधानसभा में हमारा विकास हुआ ही है। देखिए, अभी बैकुंठपुर से लेकर देवरिया तक रोड है, भटनी में रोड 2 लेन का बना है और यहाँ भी फ्री गल्ला दिया जा रहा है, या 4 महीने से 5 महीने से, तो विकास तो हो ही रहा है। इंदिरा आवास दिया जा रहा है, तो हमारी पार्टी का जो भी कार्य है, वो योजना है, वो सब धरातल पर दिख रहा है। जैसे कि आपने सुना, फिर आपके साथ नई खबरों और नई जानकारी के साथ हम आपके साथ दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।